नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। मेरी क्लाइंट है कामना। उन्होंने मुझसे कहा कि जी ये बताइए रिधि कि हम नया घर बना रहे हैं और टॉयलेट्स की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए वास्तु में, क्योंकि टॉयलेट्स को लेके जो है अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो कि हमें सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और वास्तु में टॉयलेट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। तो कामना, आज आपका जो सवाल है उसका मैं आंसर कर रही हूँ इस वीडियो से, एंड आई एम श्योर ये जो है और भी आप लोगों को, जिन लोगों को टॉयलेट्स को लेके कन्फ्यूजन है, उनके भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो देखिए, टॉयलेट जो है वास्तु में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि टॉयलेट का फंक्शन होता है फ्लश कर देना, होता है ना। तो मान लीजिए टॉयलेट अगर किसी अच्छे जोन में आता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि वास्तु जो है 16 दिशाओं का खेल है, तो जो 16 दिशाएं हैं इनको हम 16 जोन्स भी कहते हैं। किसी अच्छी दिशा में या किसी अच्छे जोन में आएगा तो जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो उस दिशा की जो क्वालिटीज़ हैं, वो फ्लश ऑफ हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ में आया तो क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ जो है वो दिशा है अपॉर्चुनिटीज़ की। सो इसी तरह जो है हम बाकी 16 दिशाएं देखते हैं कि हर दिशा का क्या एट्रीब्यूट है, और अगर हम वहाँ पे टॉयलेट बनाएंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा उस घर में रहने वाले लोगों पे। तो देखिए, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं नए घर की। यदि आपका ऑलरेडी आप घर में रह रहे हैं या आपका रेंटेड घर है, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि जी रेंटेड घर है, हम कैसे करें, क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। देखिए, रेमेडीज़ बिल्कुल सब जगह हो सकती हैं। नए घर में थोड़ा सा ये होता है कि हम परमानेंट सॉल्यूशंस दे सकते हैं। जो ऑलरेडी आप घर में रह रहे हैं या अगर आपका रेंट का घर है तो उसमें भी रेमेडीज़ की जा सकती हैं जो कि उतनी ही इफ़ेक्टिव होती हैं। पर उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टॉयलेट किस डायरेक्शन में आ रहा है। आप देखिए, टॉयलेट में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉट सीट। कई बार ऐसा देखा है कि जब हम फ्लोर प्लान बनाते हैं तो जो बाथरूम है वो दो दिशाओं में आ जाता है, आधा मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ गया और आधा नॉर्थ वेस्ट में आ गया। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस देंगे कि जो पॉट सीट है वो किस दिशा में आ रही है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अब बात करते हैं डायरेक्शंस की, क्योंकि वास्तु इज ऑल अबाउट द डायरेक्शंस। सो देखिए, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शंस जो होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के होते हैं, हेल्थ और इम्यूनिटी के होते हैं, और क्लैरिटी ऑफ माइंड के होते हैं। तो यदि यहाँ पे टॉयलेट आता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे असर आएगा, मतलब ये सारी चीज़ें जो लाइफ से फ्लश ऑफ हो जाएगी। तो अवॉइड करें कि हम यहाँ पे टॉयलेट ना बनाएं। फिर आता है ईस्ट। ईस्ट जो है कनेक्टिविटी का जोन है। ईस्ट में अगर टॉयलेट बनाएंगे तो हमारे कनेक्शंस पे असर आएगा। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन आता है जिसको हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कहते हैं। वो जो डायरेक्शन है वो एंग्जाइटी का है, चर्निंग का है। तो यदि आप टॉयलेट यहाँ पे बनाते हैं तो एंग्जाइटी जो है वो आपके घर से फ्लश ऑफ हो जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द आइडियल डायरेक्शंस जहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हैं। फिर आता है साउथ ईस्ट, जो कि रिकवरी ऑफ मनी का जोन है। वहाँ पे टॉयलेट हुआ तो रिकवरी में पैसे आने में दिक्कत होगी। उसके बाद साउथ साउथ ईस्ट, जो कॉन्फिडेंस का जोन है, वहाँ पे भी टॉयलेट अवॉइड करें बनाना। फिर आता है साउथ वेस्ट, जो कि रिलेशनशिप का जोन है, वहाँ पे भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आप साउथ वेस्ट के बाद आता है SSW, यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये तो जोन ही है डिस्पोजल का और एक्सपेंडिचर का, तो यहाँ पे टॉयलेट होना बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे जो है, आप अगर आपका नया घर बन रहा है तो कोशिश करें कि यहाँ पे जो है टॉयलेट ज़रूर हो। उसके बाद आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि सेविंग्स का जोन है, स्किल्स का जोन है। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों के बीच में एक जोन आता है जो कि है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये जो जोन है ये डिप्रेशन का जोन है। क्लासिक वास्तु में इस जगह को रोदन ग्रह कहा जाता है, कि जहाँ पे आप जो है बैठ के उदास हो रहे हो या परेशान हो तो इस जगह पे बैठिए, जिससे आपकी परेशानी जो है के लिए जोन को बेसिकली स्पेसिफाई किया गया है।
तो इस जगह पे अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो आपके घर से डिप्रेशन जो है वो दूर होता है। तो कौन से तीन डायरेक्शंस मैंने आपको बताए, एक तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, एक साउथ साउथ वेस्ट और एक वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये तीन आइडियल जोन्स हैं टू हैव अ टॉयलेट। पर अब क्वेश्चन आता है कि देखिए, हम रोज रोज तो घर बनाते नहीं हैं, हम ऑलरेडी जिस घर में रह रहे हैं उसके अंदर ईस्ट डायरेक्शन में घर है या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में घर है, तो उसका क्या करें? तो जैसा मैंने आपसे कहा है, देर आर रेमेडीज, देर आर सोल्यूशन, सब चीज़ों की रेमेडीज और सोल्यूशन है। पर उसके लिए फ्लोर प्लान होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली जो पॉट सीट है वो किस दिशा में आ रही है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी, हम नया घर ढूंढ रहे हैं, एक अपार्टमेंट या एक फ्लैट जो कि पूरा बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है? तो इन दैट केस अगेन टॉयलेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होती है तो उसकी रेमेडी के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। मतलब उसकी जो रेमेडी की भी है उसके रिजल्ट्स हमें, हमने देखा है रिसर्च करके कि वहाँ के रिजल्ट्स हमें अच्छे नहीं मिले हैं। तो अवॉइड अ टॉयलेट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। सो आई एम श्योर आज जो है टॉयलेट को लेके भी आपके डाउट्स काफ़ी क्लियर होंगे। यदि आपके और भी कोई सवाल हैं वास्तु को लेके या टॉयलेट्स को लेके या वास्तु से रिलेटेड और किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।